जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हमेशा की तरह मेरे इस YouTube चैनल पर आपको मिलते हैं ढेर सारे सरल, चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय और टोटके। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं नींबू से संबंधित कुछ ढेर सारे सरल, चमत्कारी, प्रामाणिक टोटके। इन्हीं उपायों, इन्हीं टोटकों को असली टोटके भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बार आजमाए गए हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में इन उपायों से शुभता आई है, उनके जीवन में दुख और कष्ट से उनको मुक्ति मिली है। तो क्यों ना हम और आप भी इन उपायों को जानें और इन उपायों को प्रयोग में ले आ करके हम आप भी हो जाएं मालामाल। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये उपाय। नींबू के बारे में हम जानते हैं कि नींबू स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ये बात तो हर व्यक्ति जानता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नींबू के उपाय कुछ और भी उपाय हैं, कुछ और कर्मों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। जिन दूसरे कामों में नींबू का उपयोग किया जाता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं होते। नींबू के ऐसे परंपरागत रूप से काफ़ी पुराने समय से कुछ क्रियाओं, कुछ उपायों के लिए प्रयोग में लिया जाता है और ये उपाय बहुत ही चमत्कारी होते हैं। तो आइए मैं आपको आज कुछ उपाय बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुरी नज़र के चलते अगर किसी का व्यापार व्यवसाय बंद हो गया हो, किसी के घर पर बुरी नज़र लग गई हो जिसके कारण बरकत पूरी तरीके से बंद हो गई हो, तो क्या उपाय करना चाहिए। बुरी नज़र लगने के बाद व्यक्ति का चलता कारोबार व्यवसाय भी बंद हो जाता है, रुपए पैसे की तंगी सी आ जाती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको घेर लेती हैं। इससे बचने के लिए दुकानों और घरों के बाहर नींबू और मिर्च को टांगना ये एक आम उपाय है, आपने अक्सर देखा होगा। और इसके बारे में हम अब तो लोगों से हम लोग प्रश्न भी नहीं करते कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये नज़र रोकने के लिए होता है। ऐसा करने से नींबू मिर्च देखने मात्र से ही नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखा स्वाद बुरी नज़र वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वो अधिक समय पर घर या दुकान को नहीं देख पाता या उसकी जो बुरी नज़र है आपकी दुकान, प्रतिष्ठान या आपके घर को प्रभावित नहीं कर पाती। तो अगर आपने अभी भी नींबू और मिर्च नहीं टांगा है अपनी दुकान के बाहर, तो अब से आप ये उपाय करना शुरू कर दीजिए, इससे अब से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि कभी कभी रास्ते में आपने देखा होगा सड़कों पर, रोड पर नींबू मिर्च पड़ी रहती है, लोग कुछ चौराहे पर, तिराहे पर काट बाट के उस पर कुछ सिंदूर विंदूर चढ़ा करके कुछ किया कराया टाइप करके रखते हैं। किसी चौराहे या किसी तिराहे पर यदि कोई नींबू या नींबू के टुकड़े पड़े रहते हैं तो ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि आप उसके ऊपर से न गुजरें या मजाक मजाक में ही, हंसी हंसी में ही आप उसको न लांघ जाएं, उसको लात न मारें, उसको पैर नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कि ऐसे नींबू का उपयोग किसी प्रकार के टोटके के लिए, किसी का उतारा, भूत प्रेत उतारा या अपनी समस्या का, अपने कष्ट के निराकरण के लिए किया हो और आप अगर उसके साथ छेड़छाड़ करें तो वो समस्या उस व्यक्ति को छोड़ करके आपके साथ शुरू हो जाए, आपके पीछे लग जाए। ऐसा बहुत होता है, बहुत सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए आपको मैं मना कर रहा हूं।
तीसरा उपाय है कि तंत्र मंत्र में नींबू, तरबूज, सफेद कद्दू और काली मिर्च का या हरी मिर्च इत्यादि का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः नींबू का उपयोग बुरी नज़र से बचने के लिए किया जाता रहा है बहुत पुराने समय से। बुरी नज़र लगने का मुख्य कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी दुकान को, किसी चीज़ को, किसी बच्चे को या किसी अन्य इंसान को लगातार अधिक समय तक देखता रहता है और बुरी भावना से देखता रहता है, जलन की भावना से देखता है, ईर्ष्या या प्रतिशोध की भावना से, बराबरी की भावना से देखता है, तो उस व्यक्ति या उस स्थान को बुरी नज़र लग जाती है। तो नींबू को वहाँ पर टांगना या उस स्थान से नींबू को घुमा करके, नींबू काट करके उस स्थान पर रख करके वहाँ से हटा के फेंक देना बहुत अच्छा उपाय होता है। बिना किसी खर्चे के आप नज़र दोष उतार सकते हैं। जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती। नींबू के वृक्ष के आसपास का वातावरण सदैव सकारात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। इसके साथ ही वास्तु के अनुसार नींबू का वृक्ष घर में लगाना कई प्रकार के वास्तु दोषों को भी दूर करता है, उनको कम करता है। पांचवा उपाय है कि अक्सर कुछ लोग दुकानों पर घरों से बाहर नींबू मिर्च टांग करके रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर या दुकान की बुरी नज़र से रक्षा होती है। वैसे यह मंत्र तंत्र से जुड़ा हुआ एक टोटका है, लेकिन इसकी इस परंपरा के पीछे मनोविज्ञान का भी बहुत बड़ा कारण जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति का व्यापार ठीक नहीं चल रहा हो तो उसे शनिवार के दिन नींबू का एक उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के अनुसार आपको करना यह है कि नींबू को दुकान के चारों दीवारों से आप स्पर्श कराएं। एक साबुत नींबू ले लीजिए बिना दाग वाला, उसको अपने दुकान में आपको लेकर के जैसे आप मंदिर में परिक्रमा करते हैं घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, वैसे आपको घूमना है, चारों तरफ की दीवारों से आपको उसको स्पर्श कराते हुए जाना है। इसके बाद नींबू के चार टुकड़े करें और अच्छे से आप चार टुकड़ों में नींबू को काट लें और चारों दिशाओं में एक एक नींबू का टुकड़ा आप फेंक दें या रख दें, और कुछ घंटे बाद, कम से कम 2-3 घंटे उसे वहां रहने दें, उसके बाद आप उन टुकड़ों को उठा करके दुकान से बाहर फेंक दीजिए। किसी भी प्रकार का नज़र दोष होगा तो वो दूर हो जाएगा। अब सातवां उपाय यह है कि यदि किसी बच्चे को या किसी बड़े व्यक्ति को, बड़े इंसान को अगर बुरी नज़र लग गई हो तो घर का कोई अन्य व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से पैर तक 7 बार नींबू को उतार ले। क्लॉकवाइज आपको उतारना चाहिए। इसके बाद इस नींबू के चार टुकड़े करके किसी सुनसान स्थान पर या किसी तिराहे पर फेंक आएं। ध्यान रखें, नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, इससे आपकी समस्या और बढ़ सकती है। अगर बहुत सावधानी के साथ आप इसको उतार करके, चार टुकड़े करके किसी सुनसान जगह पर या किसी तिराहे पर आप फेंक करके चले आते हैं, पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं, तो निश्चित ही नज़र दोष से मुक्ति मिलती है और वह व्यक्ति जल्दी ही अच्छे स्वास्थ्य को और अच्छी सफलता को प्राप्त कर लेता है। आठवां और अंतिम उपाय आज का यह है कि अगर आपको कड़ी मेहनत के बावजूद भी अपने महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही हो तो हनुमान मंदिर में जाएं और अपने साथ एक नींबू और चार लौंग को लेकर के जाएं। इसके बाद मंदिर में पहुंच करके नींबू के ऊपर आपको चार लौंग गाड़ देना है, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें या हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद हनुमान जी से सफलता दिलाने की प्रार्थना आप ज़रूर करें और वो नींबू आप अपने साथ अपने काम में लेकर के जब भी जाएंगे तो मेहनत के साथ आपके कार्य में सफलता की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो दर्शक लोग, ये थे कुछ सरल और चमत्कारी उपाय। इन उपायों को जान करके आप अपने जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आमंत्रण कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ कि हनुमान जी आपका कल्याण करेंगे, आप मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा
व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।